नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर पाठशाला में। आज हम लेकर आए हैं नए एक टॉपिक, इसमें हम समझेंगे टाइपराइटर क्या है और कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में क्या अंतर है, टाइपराइटर में क्या अंतर है, टाइपराइटर कैसे कार्य करता है और कीबोर्ड कैसे कार्य करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले टाइपराइटर के ऊपर। तो हमारा टाइपराइटर है, टाइपराइटर कीबोर्ड, अ कीबोर्ड फॉर मैनुअली एंटरिंग कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड। इसका अर्थ है कि कीबोर्ड एक सॉरी टाइपराइटर में पेपर के साथ, इसमें पेपर लगाकर ही कार्य किया जा सकता है। बट कीबोर्ड में है कि एक कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, यह एक इनपुट उपकरण है एंड इज द मोस्ट बेसिक वे फॉर द यूजर्स इज टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। कम्युनिकेट यानी बातचीत करने का कंप्यूटर से बहुत अच्छा साधन है ये। और टाइपराइटर में आपका कीज का नंबर जो होता है 44 होता है, और इन्वेंटर इनके हैं क्रिस्टोफर राथम सोल्स। इन्होंने इस टाइपराइटर का सबसे पहला उपकरण लाया था सितंबर 1867 में, और कीबोर्ड जो आई थी आपको 1981 में उन्हीं के द्वारा यह भी लाया गया। और इसमें नंबर ऑफ की 101 थे। टाइपराइटर में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पेपर लेना पड़ेगा, पेपर को सेट करना पड़ेगा, और जो भी आप टाइप कीजिए वो डायरेक्ट पेपर के ऊपर छापेगा। और यह कीबोर्ड क्या करता है, पहले आप टाइप कीजिए अपने मॉनिटर स्क्रीन पर, आपको शो कराएगा और इसमें आप जो भी फॉन्ट स्टाइल कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। आधुनिक जो अभी चल रहा है हमारा कंप्यूटर, उसमें आप कलर स्टाइल्स, बोल्ड, इटैलिक, विभिन्न तरीके के इसमें आप स्टाइल्स लगा सकते हैं। बट इसमें है कि एक ही स्टाइल्स में आपको प्रिंटेड देगा, बट ये पेपर प्रिंट देगा। समझिए कि एक प्रकार से प्रिंटर के साथ कीबोर्ड सेट है। और इसमें भी वे सभी कीज है जो कि आधुनिक कीबोर्ड्स में है। बैक स्पेस शिफ्ट की मिल जाएगा आपको, टैब सेट मिल जाएगा, मार्जिन सेट की मिल जाएगा, एरर की मिल जाएगा, एरर की अब की जो है कीबोर्ड्स में नहीं है, कलर सेलेक्टर मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं कि इस कीबोर्ड में कौन कौन से कीज होते हैं, वो हमको हम आपको प्रैक्टिकली कीबोर्ड दिखा करके आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये एस्केप की मिल जाएगा आपको, जिससे आप किसी भी विंडो से या फिर बाहर आने के लिए एस्केप एग्जिट समझिए, एक प्रकार से एग्जिट की है। और ये F1 से लेकर F12 तक आपको फंक्शनल की मिल जाएगा, और ये आपको न्यूमेरिकल की एक बैक स्पेस मिल जाता है, एंटर की है, शिफ्ट मिल जाएगा उसके साथ, अल्ट स्पेस बार, ये हो गया एरो की सेक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा आपको प्रिंट स्क्रीन, जिसको हम लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए करते हैं, उस प्रकार अब कंप्यूटर सिस्टम पर प्रिंट स्क्रीन आता है। और ये स्क्रॉल लॉक हो गया, और इधर नंबर पैड,
जिसको नंबर की भी बोला जाता है। तो ये है आपका आधुनिक कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जिसमें मल्टीमीडिया का भी इसमें ऑप्शंस है। तो यही है कीबोर्ड में अंतर। तो आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे हम लोग कीबोर्ड जो भी हम लोग व्हाट्सएप वगैरह मैसेजिंग करते हैं, क्वेरिटी क्वेरिटी कीबोर्ड है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ क्वेरिटी इस प्रकार से होगा, QWERTY क्वेरिटी। इस मॉडल में कीबोर्ड का इन्वेंशन किया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। और टाइपराइटर्स में आपके हो जाता 44 कीज और कीबोर्ड में 101 कीज। यही है कीबोर्ड और टाइपराइटर में अंतर। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करते रहें। जय हिंद।